राजगढ़ नगर पालिका में 5 क्विंटल से ऊपर पॉलीथीन जब्त करके बड़ी कार्रवाई की गई है। अभी भी वर्तमान में राजगढ़ में कई क्विंटल पॉलीथीन व्यापारियों के पास दबी पड़ी है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों शासन प्रशासन द्वारा पर्यावरण की शुद्धिकरण हेतु एक बार उपयोग की जाने वाली पॉलीथीन को प्रतिबंधित कर दिया गया था और इस विषय पर धार कलेक्टर पंकज जैन ने भी लगातार सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, किंतु व्यापारी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे और चोरी छुपे पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं। इस कड़ी में राजगढ़ नगर पालिका सीएमओ देवाला पिपलोनिया के दिशा निर्देश पर लगातार चालानी कार्रवाई देवेंद्र मालवीय द्वारा की जा रही है। इस कड़ी में दिनांक 23 जुलाई 2022 को अज्ञात व्यक्ति की सूचना पर राजगढ़ नगर पालिका कर्मचारी देवेंद्र मालवीय द्वारा जैन नाकुड़ा किराना राजगढ़ के गोदाम पर कार्रवाई कर लगभग 5 क्विंटल के ऊपर पॉलीथीन जब्त की और पंचनामा बनाया। वहीं इन सभी मुद्दों पर व्यापारी का कहना है कि यह पॉलीथीन हमारे द्वारा पैकिंग तेल के डिब्बे या अन्य उपयोग में लाई जाती है। साथ ही हमारे द्वारा आगे अन्य व्यापारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि यह पॉलीथीन जो है प्रतिबंधित नहीं है। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता विशेष सिंह ने नगर पालिका सीएमओ से बात की तो उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑन के नीचे के प्लास्टिक अभी फिलहाल प्रतिबंधित है। राजगढ़ नगर के बैश्रम व्यापारी है। आपको बता दें कि अभी भी राजगढ़ में कई क्विंटल पॉलीथीन का उपयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जहां एक और लगातार छोटे व्यापारी पर उपयोग के बाद फेंके जाने वाली पॉलीथीन का उपयोग करने पर चालानी कार्रवाई हो रही है, तो वहीं एक और बड़े बड़े कारोबारी चोरी छुपे लगातार पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजगढ़ नगर में ही कुछ फर्म ऐसी है जो चोरी छुपे प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग कर रही है। इन कारोबारियों को कार्रवाई का कोई डर नहीं है क्योंकि इनके पास पैसा लबालब भरा है। हमें लगता है कि हमारी खबर के बाद इन पर कड़ी कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ से पीवीसी पॉलीथीन प्रिंटेड प्रिंट पैकिंग पकड़ाई गई है। हाँ। जो कि हम प्रोसेस होने का श्रिंक करते हैं उसको कैन पे यूज़ करते हैं, जो कि मान्य है। हमारे आगे भी हमने फैक्ट्री इनसे भी निर्देश लिए थे तो उन्होंने हमको बोला है कि ये सब चीज़ें मान्य है, पर जो आज हमारे अधिकारी आए थे उनका ये कहना है कि ये मान्य नहीं है। उन्होंने बोला हम भी इसके बड़े अधिकारियों को दिखाएंगे और इसके बारे में जाँच करेंगे। अगर ये जाँच में भी अगर ये पाई जाती है कि ये सही पाई जाती है तो आप हमको पूरे जो हमारे कट्टे हैं वो वापस रिटर्न करने का बोल के गए हैं। हमने इंदौर भी उच्च जो फैक्ट्री है उनसे मैंने बातचीत करी थी, उन्होंने बोला है कि ये प्रिंटेड मतलब कानूनी तौर पे इलीगल नहीं है, चल सकती है क्योंकि ये सारी बड़ी कंपनी में काम में आ रही है। चूँकि ये जार के ऊपर चढ़ाई जाती है फिर हमको इसको श्रिंक करते हैं। श्रिंक होने के बाद में ये 52 से 50 के ऊपर माइक्रोन मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से अभी कानूनी तौर पे ऊपर है, पैरामीटर के ऊपर है, पैरामीटर के अंदर ही है। आपका शुभ नाम? उमंग जैन, अंशुल जैन, नाकोड़ा ट्रेडर्स। हम जो भी करेंगे शासन के हित पे काम करेंगे, शासन के खिलाफ जाकर काम नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि जैन नाकोड़ा किराना स्टोर से जैन नाकोड़ा किराना से हमारे द्वारा पॉलीथीन जो जब्त की गई है, मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पे पॉलीथीन का जो अपने ऑयल के ऊपर पैकिंग होती है, ऑयल की केनों के ऊपर, तो पैकिंग में इन्होंने पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे चेक किया तो पाया गया कि जो पॉलीथीन है उसका जो गेज है वो 23 माइक्रोन पाया गया है। तो कितने क्विंटल के लगभग पॉलीथीन होगा? ये तकरीबन होगी 5 क्विंटल से ऊपर ही है। व्यापारी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ये पॉलीथीन मतलब उपयोग कर सकते हैं, तो आपका इस संबंध में क्या कहना है? इस संबंध में हमने हमारे उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी है, जैसे ही हमारे उच्च अधिकारी आके चेक कर लेंगे अगर इनका जो पॉलीथीन है अगर यूजेबल है तो हम इनको पॉलीथीन को जब्ती की कार्रवाई से लंबित करके इनको वापस से इनका माल दे दिया जाएगा, और अगर उस कैटेगरी में यूजेबल कैटेगरी में नहीं आता है तो इस माल को जब्ती के उसमें दिया जाएगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवेंद्र माल। पद? कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ और अभी चालानी कार्रवाई में रहूँगा। ठीक है। राजगढ़ से विशेष सिंह राजपूत की रिपोर्ट।